सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। राजद नेता ने विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर की 1.5 लाख रुपए की उगाही। बता दें कि मामला मुजफ्फरपुर जिला के बरुराज थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार सिसवा गांव निवासी रविंदर कुमार ने बीते मंगलवार को बरुराज थाने में लिखित शिकायत दर्ज करके अपने गांव के ही मोहम्मद निजाम उर्फ समीर को नामजद करते हुए आवेदन में नौकरी का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए ऐंठने की बात कही है। मोहम्मद निजाम मोतीपुर प्रखंड के राजद प्रवक्ता पद पर पदस्थापित है। वहीं मामले में DSP पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे गांव का जो निजाम है विदेश जाने के लालच में हमसे 1.5 लाख रुपया ले लिया और विदेश नहीं भेजा हमको, और हम लोग कहां कहां से उसको पैसा लेकर दिए, गहना गुड़िया सब बेच कर दिए, और अभी मांगने से 2 साल हो गया। आज अभी मांगने से हमको गाली गलौज देता है, मारता है और क्या बहुत धमकी देता है। राजद का प्रवक्ता है, बोले ऐसे बोलता है कि हमारे साथ तू क्या करेगा, हमसे पंगा लेगा। कल मारपीट भी हुआ? हाँ हुआ था। क्या क्या किया कल? वो हमको धमकाया, अथी दिखाता है, बोलता है हम कुछ मांगा लेगा, साला तुमको मुट्ठी में मर देंगे, ऐसे बोलता है। हथियार होते दिखाया? हाँ। कितना पैसा लिया? 1.5 लाख रुपया लिया। कौन लिया? निजाम। कहाँ का है वो? सिसवा का है। विदेश भेजने के लिए कभी इंटरव्यू वगैरह भी मांगा? कुछ नहीं किया। कोई कागज वगज भी दिया? हाँ दिया, डुप्लीकेट है, मुंबई से जाकर वापस आएगा। मुंबई किस लिए? वो फ्लाइट करवाएगा बोला। वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं किया? क्या नाम हुआ? मेरा रविंदर कुमार। बाकी हमारी जानकारी मिली है कि किस व्यक्ति है जो कि विदेश में लोगों को बोलते हैं कि हम विदेश भेजेंगे और ये माध्यम है उनका भेजने का, बट उसका कुछ लिखित कम्प्लेन्स हम लोगों के पास जितना भी आ जाता है, हम आप लोगों थोड़ी जो नजर में आई है बातें, हम काफी गंभीरता से ले रहे हैं शिशु को, और कोई कंप्लेन यदि इस तरह का आता है तो हम उसको डेफिनेटली ठोस कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह गफलत में रख करके रखना और उनको विदेश भेजने के जैसे बातें करना कहीं ना कहीं यह कानून के दायरे से बाहर ही काम करना होता है और उनके साथ धोखा करना होगा। तो इस तरह की गतिविधि यदि है और उसको कुछ प्रमाण आता है, कोई लिखित कंप्लेन हमारे पास आते हैं, तो हम उस पर कार्रवाई डेफिनेटली करेंगे और गंभीर कार्रवाई।